इंटीजर, व्हाट आर इंटीजर्स, ठीक है। टेक आउट योर कॉपीज एंड राइट इट डाउन, साइज लिखो ये साथ साथ, राइट इट डाउन योर कॉपीज। इंटीजर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, such as plus 1, plus 2, plus 3, and negative integers. Minus 1, minus 2, minus 3. Okay. So these are positive integers and negative integers. So now we will learn how to do operations of the, on these integers, okay? How to do operations? There are four operations. One plus, first is add. हम प्लस कहते हैं, सेकंड इज सबट्रैक्ट, हम माइनस कहते हैं, थर्ड इज मल्टीप्लाई एंड फोर इज डिवाइड। सो वी विल डू ऑल दीज फोर ऑपरेशंस, ठीक है। राइट इट डाउन एवरीबॉडी, we do addition and subtraction. Addition subtraction rules. Okay. Everybody write it down. Addition and subtraction rules. पहला रूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 5, 2 + 3 = 5। व्हाट इज 2 - 3, 2 - 3 = -1। What is 7 - 10? Aaj you tell me the answer of 7 - 10. Everybody. Not 3. It is -3. It is what? -3. What is 12 - 14? Everybody tell me 12 - 14. Musa, not 10 - 7. 10 - 7 is -3. 7 - 10 is not 10 - 7. Okay. 12 - 14 is -2. The rules I am telling you for addition and subtraction is
कि पहली बात क्या है, लुक एट, ये राइट इट डाउन, लुक एट द साइन ऑफ टू नंबर्स, लुक एट द साइन ऑफ टू नंबर्स, ऑफ बोथ नंबर्स, कह दो क्या, बोथ नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ टू और थ्री है ना, दोनों की साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ टू का साइन पॉजिटिव है या थ्री का साइन नेगेटिव है, बिफोर अ नंबर उसका क्या आता है, साइन आता है, बिफोर अ नंबर लिख लो, बिफोर अ नंबर अ साइन कम्स, ठीक है, या सेवन का साइन पॉजिटिव है और टेन का साइन नेगेटिव है, जब भी आप जो साइन ही लिखते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहला स्टेप क्या है, लुक एट द साइंस ऑफ बोथ नंबर, पार्ट ए क्या है, इफ द साइंस आर सेम, इफ द साइंस आर सेम एट द नंबर्स, and put the sign of the bigger one, put the sign of the bigger number, so matlab kya hai, everybody write it down, is aaj likho, If signs are same, add the number. अब इन दोनों के साइन सेम है ना, तो ऐड करो 2 प्लस 3 5 एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो बिगर का क्या 3 है, पॉजिटिव साइन है, देखो पॉजिटिव है। अब इधर देखो 7 प्लस 5 दोनों के पॉजिटिव है, तो क्या आंसर हो जाएगा 12, साइन किसका 7 का साइन, बड़ा नंबर 7 है, इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये देखो माइनस 8 माइनस 10, अब इधर देखो दोनों नंबर देखो उनके साइन सेम है, हाँ दोनों के माइनस साइन है, तो जब सेम साइन हो तो ऐड करना है, 10 प्लस 8 इज 18 और इसमें बड़ा नंबर क्या है 10 का, क्या है माइनस, माइनस लगा दो, समझ आएगी कि जो मैंने रूल बताया क्या, समझ आ गए, ता एडू अंडरस्टूड, ता मुस्तफा मूसा एंड नबील, ठीक है, सो लुक एट द साइन ऑफ बोथ नंबर, इफ द साइन आर सेम एट द नंबर एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, ठीक है, इस तरह करना है। अच्छा कैसे हमने ये एग्जाम्पल की है, और दूसरा और ये हो गया, फिर अगर इस तरह हो, पार्ट बी क्या है, दूसरा पार्ट, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल पार्ट बी रूल क्या है, इफ द साइन इज ऑपोजिट देन सब्ट्रैक्ट और माइनस द नंबर्स एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, क्या कह रहे हैं, इफ द साइन इज ऑपोजिट देन सब्ट्रैक्ट माइनस द नंबर एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, इसका क्या मतलब है, इसके एग्जांपल करते हैं, लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ इट, एग्जांपल इज माइनस 2 प्लस 3, ठीक है,
हम माइनस टू प्लस थ्री दोनों क्या ऑपोजिट नंबर ऑपोजिट साइंस है या माइनस है या प्लस, तो मैंने क्या बताया था इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो थ्री माइनस टू क्या हो जाता है वन। अब मैंने क्या बताया था साइन किसका लगेगा बिगर नंबर का, बिगर नंबर यहाँ कौन से थ्री, उसका साइन क्या है प्लस वन। एक और सवाल करते हैं सेवन माइनस फाइव, अब देखो सेवन का पॉजिटिव है और फाइव का नेगेटिव साइन है, दोनों तो ऑपोजिट साइन है तो इनको माइनस करो, सेवन माइनस फाइव टू, और टू के साथ कौन सा साइन लगेगा बड़े वाले का, ठीक है बड़े वाले का क्या है साइन है बड़े वाले का क्या साइन है पॉजिटिव, तो बड़े वाले का साइन पॉजिटिव है तो सीधा क्या लगेगा पॉजिटिव साइन। समझ आएगी पार्ट बी, ये रूल भी समझ आ गया, एवरीबॉडी गॉट इट। एवरीबॉडी गॉट इट, ओके सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो ऑलवेज रिमेंबर इफ द साइंस ऑपोजिट साइन है या सेम साइन है, इफ द साइन इज सेम ऐड देम एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, इफ द साइंस आर ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट देम एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, यू डू इट ऑन योर कॉपीज एंड देन टेल मी द आंसर्स। So these are the 10 questions, copy it down and solve them, start solving.
Be quick, complete it. Okay, everybody check your answers. I'm doing for the first one, both signs are positive, same sign, so we add 3 plus 12 is 15. The sign for 12 is positive, so we will write plus 15 is the answer. The signs are opposite, so we will subtract 12 minus 7 is 5. 12 is the bigger number and the sign of 12 is minus, so it should be minus 5. 8 and 10 both have the same sign, so we will add 18. 10, the bigger sign has minus sign, so it's minus 18. 15 plus 5 is 20, same sign, so it will add. Same sign, again it will add because the signs are same, 19. But the bigger 13 has minus sign, so it's minus 19. 13 plus 7, so both have opposite signs, so we will subtract 13 minus 7 is 6 and we will put the sign with minus sign. Both have the same sign, so we will add 26 and the 20 is with the bigger sign, so minus 26. 13 plus 12 is 25, both have the same sign, so we will add 5 plus 25. Both have opposite sign, so we will subtract 17 minus 12 is 5. Now 17 is the bigger number, so sign with the bigger number will come is minus 5. Minus 20 plus 0, opposite signs, so we will subtract 20 minus 0 is 20, and the sign with the bigger sign is minus, or minus 20. So these are your answers. Check your answers. Musa Nabil, Ji Nabil, you check the answers. Okay, good.
Has everybody checked their answers? Giving you two more questions to solve it. Solve it. 100 minus 0, 100 plus 0, minus 100, minus 100, minus 100 plus 100, 22 minus 64, minus 25, minus 75, minus 20, minus 80. Everybody write down your homework. This is your homework. Write this question in your homework. Write it down and let me know when you are done. Let me know when you have written it down. No, Musa, you need to write it down on your copies. Write down these questions on your copy. Let me know when you have written it down, all the questions. Thank you.
iodine. You are writing down. Okay, you all need to complete this homework and submit it to me by tomorrow. Okay, complete this homework, submit it to me. Okay then, Allah Hafiz.